हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OCC बाई विपुल सर पर। जहाँ तक आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लाइफ मैनेजमेंट ऑडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना है तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग उस पर तीन टॉपिक पर बात किए थे, समय, जीवन और पढ़ाई। एक्चुअली हम लोग उस पर बात नहीं किए थे, सिर्फ मैं आप लोगों को इस लाइफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या बात करेंगे इसके बारे में एक सिंपल सी जानकारी दी थी कि इन तीनों की तरफ ही मेरा झुकाव इस लाइफ मैनेजमेंट में होगा, और वो सिर्फ आपके दिमाग में एक भूमिका तैयार करने के लिए बनाया गया था। तो जो लोग भी अभी उसे नहीं सुने हैं तो प्लीज़ पहले उसे सुन लें, ताकि उनके दिमाग में एक भूमिका तैयार हो जाए इस लाइफ मैनेजमेंट के प्रति। इसके बाद मैं उस पर और आगे बातें करूंगा, और इसके बाद आकर के इस वाले ऑडियो लेक्चर को, इस वाले लाइफ मैनेजमेंट को सुने, और इसके बाद आगे ऐसे ही सुनते जाएं तो उनको शायद चीज़ें बेटर तरीके से दिमाग में आती चले जाएंगी। तो जिन लोगों ने सुना होगा तो उसमें उन लोगों ने एक शब्द सुना होगा जो मैं बार बार उसका नाम ले रहा था, विचार करना। आप लोगों ने अगर ठीक से सुना होगा तो आप लोग ज़रूर ये शब्द सुने होंगे, विचार करना। मैं विचार करने पर बार बार फोकस कर रहा था कि अगर आप लोग विचार करेंगे तो क्या से क्या कर सकते हैं। तो आज उसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। दो टॉपिक हम लोग लेंगे, दो शब्द हम लोग लेंगे, और उन दोनों शब्द के नाम क्या होंगे, सोचना और विचार करना। आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे, या जब भी आप लोग इसके बारे इस इन दोनों शब्द के बारे में जब आप लोग सोचते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा सोचना और विचार करना तो बिल्कुल एक ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी एक नहीं है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मैं बता दूँ, ज़मीन आसमान का अंतर होता है, यानी कि बहुत ही अधिक अंतर होता है, और उसी अंतर पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोनों शब्दों को समझना बेहद ज़रूरी है कि सोचना क्या होता है, विचार करना क्या होता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दो लाइन पहले सुनाता हूँ। दोनों लाइन को आप लोग बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक पहले सुनिएगा। सुनने के बाद आप लोग चाहें तो इस पर रोक करके, वीडियो को रोक करके आप लोग इस पर विचार भी थोड़ा सा कर सकते हैं कि इन दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस पर आप लोग विचार भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके आगे आप लोग सुनिएगा तो शायद आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे दिमाग में। तो चलिए वो दो लाइनें हम सुना देते हैं आप लोगों को। तो हुआ ये है कि हम लोग ऐसे बस मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं और उन दोनों का ही एग्ज़ाम आने वाला है, और जस्ट आज से मान लीजिए कि एक महीने बाद उन दोनों दोस्तों का एग्ज़ाम है। क्लियर है, दो दोस्त हैं और उन दोनों का ही आज से ठीक एक महीने बाद एग्ज़ाम है, और उन सभी को एग्ज़ाम दोनों लोगों को देना है। अब दोनों लोग क्या करते हैं कि दोनों लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हमारा सिलेबस बिल्कुल इतना बचा हुआ है, या फिर सिलेबस मान लीजिए अगर ख़त्म है तो उनको रिवाइज करना है, और रिवाइज करके अच्छा से अच्छा मार्क हमको एग्ज़ाम में गेन करना है। तो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अरे यार, अब बस एक ही महीना बचा हुआ है, और हम लोग ऐसा करते हैं कि आज से एकदम रिविज़न शुरू कर देते हैं, और एग्ज़ाम के पहले पहले ख़त्म कर देंगे, और जा करके एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। दोनों ने ही सोच लिया कि बस आज समझिए कि 15 दिन में एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, या 20 दिन में सिलेबस ख़त्म कर देंगे रिवाइज करके, या एग्ज़ाम के पहले पहले तक एकदम बिल्कुल सिलेबस को पढ़ करके ख़त्म कर देंगे। ये दोनों ने ही सोच लिया, बिल्कुल एकदम सोच लिया कि नहीं, एकदम ख़त्म ही कर देंगे। क्लियर है, ये सोच लिया उन दोनों ने, ध्यान से सुनिएगा। तो दो लाइन आप लोगों को मिली, एक तो एक दोस्त ने सोचा कि हम उसको 15 दिन में या 20 दिन में, जो भी आप लोग पहले एक अपना मान लीजिए कि इतने दिन में ख़त्म कर लेंगे, या एक महीने मान लेते हैं कि एक महीने में ख़त्म कर लेंगे पहले वाले ने सोचा, और दूसरे वाले ने भी सेम यही सोचा कि हम भी अपना सिलेबस रिवाइज करके एक महीने में ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम के पहले पहले। तो ये दो लाइनें थी, और दोनों लाइनें बिल्कुल सेम हैं। आप कहेंगे इन दोनों लाइनों में फिर डिफरेंस क्या है। ये दो लाइनें थी, पहले वाले दोस्त ने भी कहा कि मैं अपना सिलेबस एक महीने में रिवाइज करके ख़त्म कर दूंगा, और दूसरे वाले दोस्त ने भी कहा कि मैं अपना सिलेबस एक महीने में रिवाइज करके ख़त्म कर दूंगा, इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे। ये दोनों लोगों ने डिसाइड कर लिया, और दोनों ही लाइनें बिल्कुल आपको सेम लग रही होंगी। चलिए, सेम लग रही है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, होल्ड करिए थोड़ा सा। इसके बाद रिजल्ट आता है। मान लीजिए उन लोगों ने एग्ज़ाम, इसके बाद एक महीने के बाद दोनों ने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद दोनों का रिजल्ट आया, जिसमें से एक वाला जो था वो समझिए फेल हो गया, या उसका मार्क कम आ गया,
जबकि दूसरा जो दोस्त था उसका मार्क काफ़ी ज़्यादा आ गया, ज़्यादा या बहुत ही अच्छे मार्क से वो पास हो गया, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि एक पास हो गया एक फेल हो गया, जो भी इस तरीके से आप लोग मान लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है, कि एक ज़्यादा मार्क पा गया और एक कम मार्क पा गया। अब आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ, जबकि दोनों ने तो सेम लाइन बोली थी कि हम लोग एक ही महीने में अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करके ख़त्म कर देंगे। पहले वाले ने भी बोला था सेम वही लाइन, और दूसरे वाले दोस्त ने भी सेम वही लाइन बोली थी। जब दोनों की लाइन में बिल्कुल सेम, दोनों की लाइनें बिल्कुल सेम थी, दोनों ने सेम सोचा था, तो उन दोनों का रिजल्ट सेम क्यों नहीं आया? इस पर आप लोग अब चाहें तो इसको रोक करके इस पर विचार कर सकते हैं, और जो भी आपके दिमाग में आए आप कमेंट में हमसे अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए अब आते हैं, हम इस पर विश्लेषण करते हैं, इसका बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि जब दोनों लोग बिल्कुल सेम सोचे, सेम जगह पर थे, सेम एकदम बिल्कुल साथ थे, सेम सिचुएशन में थे, एक साथ रह रहे थे, और एक ही लाइन सोचते हैं कि हमको एक महीने में पूरे सिलेबस को ख़त्म कर देना है रिवाइज करके, और दोनों ने अब क्या किया मुझे नहीं पता, अब जो भी उन लोगों ने किया होगा, लेकिन इसके बाद एक महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि एक वाले ने अच्छा मार्क गेन कर लिया, जबकि दूसरे वाले ने अच्छा मार्क गेन नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बता दूँ, उन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आ गया। जो पहले वाले दोस्त था वो सिर्फ सोचा, ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ सोचा कि मैं एक महीने में अपना सिलेबस रिवाइज करके ख़त्म कर दूंगा, जबकि दूसरे वाले ने सिर्फ सोचा नहीं, उस पर विचार भी किया। देखिए अब मैं यहाँ पर एक आपको टिप्स देना चाहूँगा कि जो सोचना है ये विचार करने की पहली कड़ी होती है, याद कर लीजिए, सोचना विचार करने की पहली कड़ी होती है, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग डायरेक्ट एकदम विचार करना स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले वो हमारे दिमाग में आती है, पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, और सोचने के बाद जब हमारे दिमाग में आ जाती है इसके बाद हम लोग उस पर विचार करते हैं, और विचार करने के बाद फिर हम लोग आगे उस पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक इन दोनों ही शब्दों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा हमेशा, कि जो सोचना होता है ये जनरली इमोशनल होता है, यानी कि इमोशनल होकर के हम लोग बिल्कुल एकदम सोच लेते हैं। पहले वाले दोस्त ने कहा कि मैं तो अपना जो मेरा पूरा सिलेबस है वो मैं रिवाइज करके एक महीने में ख़त्म कर दूंगा, और मैं बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दूंगा, मेरे घर की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, या जो भी हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम बिल्कुल एकदम अबकी बार दिखा देंगे कि मेरे पास कितनी ताकत है। तो उसी इमोशन में आकर के दूसरे वाले ने भी बिल्कुल एकदम डिसीजन कर लिया कि हम भी अब ख़त्म ही करेंगे, क्योंकि मेरा दोस्त ख़त्म कर रहा है तो हम भी ख़त्म ही करेंगे, क्योंकि हम भी तो उसी सिचुएशन में उसी के साथ हैं बिल्कुल। ये उसने भी बिल्कुल एकदम इमोशन में आकर के उसको देख करके उसके भी दिमाग में बिल्कुल ये इमोशन आ गया, और उसने भी ये डिसाइड कर लिया, उसका देख ही देखा, क्लियर है, ये दोनों के साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ। लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ जो पहला वाला जो दोस्त था वो सिर्फ सोचा उसके बारे में कि मैं भी ख़त्म कर लूँगा, ठीक है, मैं भी ख़त्म कर लूँगा, जबकि दूसरे वाले ने क्या किया कि सिर्फ उसको सोचा नहीं, उस पर विचार किया। देखिए यहाँ से पहले तो दोनों के दिमाग में ये सोच आई कि मुझे अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना चाहिए एग्ज़ाम के पहले पहले, ये देखिए एक छोटी सी सोच है, एक छोटी सी लाइन है, एक छोटी सी सोच है जो उन लोगों के दिमाग में सबसे पहले आई। अब इस पर जब दूसरे वाले ने विचार करना स्टार्ट किया तो उसने वो पूरी प्लानिंग बनाया होगा कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस टाइम पढ़ना है। सबसे पहले तो वो ये निकाला होगा कि सभी लोगों के पास काम होते हैं, पूरे दिन भर काम होते हैं, कोई ना कोई कहीं जाना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है, तो वो सभी पहले कामों को एनालाइज किया होगा कि मेरे पास पूरे दिन में ये काम है, इस टाइम मैं ये काम करता हूँ, इस टाइम मैं ये काम करता हूँ, और इसके बाद मुझे बीच में कहाँ कहाँ टाइम मिलती है, इस टाइम आधा घंटा मुझे मिलता है, इस टाइम एक घंटा मिलता है, डेढ़ घंटा मिलता है, जो भी इस तरीके से पूरा अपना टाइम जो फ्री टाइम है काम को छोड़ करके उसको निकाला होगा, और उसको निकालने के बाद उस पर वो अपना एक टाइम टेबल बनाया होगा, या फिर अपनी एक सोच उस पर रखी होगी, या उस पर उसने विचार किया होगा कि इस टाइम में जब इस टाइम में फ्री होऊंगा तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, इस टाइम में फ्री होऊंगा तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, इस टाइम में फ्री होऊंगा तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, और इतनी स्पीड से पढ़ूंगा, अपनी स्पीड उसमें लाया होगा, क्योंकि बहुत ही स्लो पढ़ेगा तब भी एक महीने में उसको ख़त्म करना नहीं होगा। तो इस तरीके से वो बिल्कुल अपने आप को अच्छे तरीके से एक सिस्टम बना लिया होगा अपना कि हमको एक महीने में ऐसे 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 करके अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेना है।
और क्योंकि वो सिर्फ सोचा नहीं था, उसने पूरी एक अपनी प्लानिंग ज़बरदस्त तैयार कर ली थी कि हमको इस तरह से करके अपना अपने पूरे सिलेबस को अंजाम देना है, और वो ऐसा करता भी है क्योंकि उसके पास एक अपनी ज़बरदस्त प्लानिंग है कि हमको किस टाइम क्या करना है, और उसी के अकॉर्डिंग वो करेगा और करने के बाद उसको अपने प्लानिंग को पूरी तरह से अंजाम दे पाएगा। और अच्छे तरीके से उसने दिया भी और अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन पहले वाले ने सिर्फ इमोशन में आकर के क्या किया था कि डिसीजन ले लिया था कि हमको भी अपना सिलेबस ख़त्म करना है, उसने कोई प्लानिंग नहीं की। वो सोचा होगा कि चलिए जब टाइम मिलेगी तो ख़त्म कर लिया जाएगा, जब भी टाइम मिलेगी हम पढ़ लेंगे और ख़त्म कर लेंगे, और वो सिर्फ इसी सोच के सहारे रह गया और सारी टाइम उसकी धीरे 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 करके निकल गई। और लास्ट में पता चला कि सिलेबस रिवाइज़ नहीं हो पाया। जब सिलेबस रिवाइज़ नहीं हो पाया तो देखिए, अब यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा आप लोगों के साथ भी ज़रूर होता होगा। जब आप लोगों के साथ होता होगा तो ये जो पहला वाला जो दोस्त था कि जिसने डिसाइड तो कर लिया कि हमको ये काम करना है, लेकिन जब नहीं हो पाया तो फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों में से भी या आप लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके का वहाँ पे रीज़न देते हैं कि अरे यार हमको ये काम पड़ गया, हमको यहाँ जाना पड़ गया, हमको खाना बनाना पड़ गया, हम यहाँ बिजी थे, वहाँ बिजी थे, इस वजह से नहीं हो पाया। आप लोग बहुत ज़बरदस्त उसका कारण देते हैं, उसका रीज़न देते हैं कि हम तो यहाँ बिजी थे, ऐसे थे, वैसे थे, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन विजी तो दूसरा वाला भी था, जो दूसरा वाला दोस्त था वो भी तो विजी था, लेकिन वो क्या किया कि अपने उन कामों को निकाल करके इसके बाद जो टाइम मिली उस टाइम को यूटिलाइज किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान पूरा सुबह से उठे और रात तक कंटिन्यू एकदम बिल्कुल काम करता रहे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बीच में तो ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम मिलती होगी, तो ऐसा अगर होगा तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसको टाइम तो ज़रूर मिलेगी, तो उस टाइम को यूटिलाइज कर सकता है, उस टाइम का यूज कर सकता था। और उस टाइम का जब यूज करता तो जाहिर सी बात है जो उसका काम था वो पूरी प्लानिंग के तहत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अब से बहाना बनाना बंद करेंगे। बिल्कुल जो भी आप अपने आप को एनालाइज करिए पूरे दिन में, आप लोग सुबह से उठते हैं तो क्या करते हैं, क्या क्या काम आपके पास होता है, और ये मान लीजिए अगर फिक्स भी नहीं है कि किस टाइम आपका कौन सा काम होता है, तो बिल्कुल अपने आप को भी आप लोग फिक्स मत रखिए कि नहीं हमको इसी टाइम 2 से 3 बैठ करके पढ़ना है, पता चला 2 से 3 में कहीं जाना पड़ गया तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप लोग इस तरीके से अपने आप को बिल्कुल फिक्स भी मत कर दीजिए, एकदम एक टाइम टेबल ही मत बना लीजिए कि हमको 2 से 3 पढ़ना है, और 2 से 3 में अगर कोई काम आ गया तो नहीं पढ़ पाए तो फिर एक बहाना तैयार हो गया कि अरे यार 2 से 3 में तो हम नहीं पढ़ पाए। तो हो सकता है कि आपका जो काम हो बिल्कुल रैंडम हो, कभी 2 से 3 में आता हो, कभी 4 से 5 में आता हो, कभी 6 से 7 में आता हो, ठीक है। इस तरीके से जब रैंडम आपका काम आएगा तो रैंडम आपको पढ़ना भी पड़ेगा, यानी कि मान लीजिए आप एक कोई काम किए, काम करने के बाद आपको आधे घंटे का 45 मिनट का टाइम मिल गया, वो टाइम जो भी हो 1 से 2 हो, 1.5 से 2 हो, जो भी हो आपकी टाइम, उस टाइम में आप फट से अपने दिमाग में लाइए कि हमको ये काम करना था, हम ये काम सोचे थे कि इसको हमको इस टाइम तक कंप्लीट करना है, तो उस काम पे आप लग जाइए, वो जो आपका टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए, उस टाइम में आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो जो आपका सिलेबस वो आसानी के साथ ख़त्म हो सकता है। तो जो आपका बहाना होगा वो लास्ट में आपको बहाना नहीं बनाना पड़ेगा कि अरे यार हमको तो ये काम आ गया, हमको ये बात आ गई कि यहाँ पे हम फंस गए जिसकी वजह से काम नहीं कर पाए, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में लास्ट में नहीं आएंगी, आपको ये सारे बहाने बनाने नहीं पड़ेंगे। तो आप लोग इस पर विचार करिएगा, ये तो बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरे दिमाग में था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप लोग इन दोनों ही शब्दों पर सोचने और विचार करने पर आप लोग बहुत ही गंभीरता से एक बार सोचिएगा, विचार करिएगा, मैं सोचना नहीं कहूँगा, आप लोग विचार करिएगा, और विचार करने के बाद जो भी आपके दिमाग में आए आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इस पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इसी टॉपिक पर हम आगे भी और बातें करेंगे आप लोगों से। तो याद रखिएगा, सोचना जो होता है वो सिर्फ इमोशनल होता है, और विचार करना मीन्स तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करना, तार्किक रूप से सोचना होता है, यानी कि तर्क के आधार पर कि ये काम ऐसे है तो इसका ये ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब पूरा तर्क के आधार पर एक सिस्टमेटिक प्लानिंग बनाना, इसको हम लोग बोलते हैं विचार करना। जबकि इमोशन में आकर के सिर्फ सोच लेना ही उसको हम लोग बोलते हैं सोचना, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों में शायद आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंची होंगी। इन दोनों शब्दों पर एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा है, इस पर अगर बात किया जाए तो बहुत ही कम पड़ेगी, काफ़ी टाइम लगेगी, लेकिन इस समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस पर और बातें करें। तो इसी के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करिए, नमस्कार।